दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 9mm पिस्टल की चाल के बारे में। 9mm पिस्टल की चाल 8 भागों में पूरी होती है। अनलॉक, एक्सट्रैक्ट, इजेक्ट, कॉक, फीड, लोड, लॉक और फायर। इन 8 क्रम को हम वीडियो में आगे एनिमेशन के द्वारा समझेंगे। तो चलिए सबक शुरू करते हैं। जैसे ही फायर ट्रिगर को प्रेस करता है तो हैमर आजाद होकर फायरिंग पिन के पिछले हिस्से पर ठोकर मारता है, जिससे फायरिंग पिन अपने फायरिंग पिन होल से निकलकर चैम्बर वाले राउंड के परक्यूशन कैप पर चोट मार देती है और राउंड फायर हो जाता है। राउंड के फायर होने से गैस पैदा होती है और गैस के धक्के के कारण स्लाइड और बैरल एक साथ 5mm की हरकत पीछे की ओर करते हैं। 5mm एक साथ पीछे आने के बाद बैरल के नीचे कोई भी सपोर्ट ना होने के कारण बैरल नीचे की ओर डाउन हो जाती है, जिससे बैरल के लॉकिंग लग स्लाइड पर बने हुए लॉकिंग अनलॉकिंग सरफेस से अलग हो जाते हैं और बैरल के प्रोजेक्शन के पीछे वाला लॉकिंग अनलॉकिंग सरफेस बॉडी पर बने हुए लॉकिंग लग पर फंस जाता है और बैरल का पीछे जाना रुक जाता है। बैरल का स्लाइड से अलग हो जाना ही अनलॉक की कार्रवाई होता है। एक्सट्रैक्ट की कार्रवाई, स्लाइड पीछे की हरकत जारी रखता है। स्लाइड पर लगा हुआ एक्सट्रैक्टर फायर हुए खाली केस को पीछे की ओर खींच लेता है और चैम्बर से बाहर निकाल लेता है। इस कार्रवाई को एक्सट्रैक्ट कहते हैं। इजेक्ट, अभी भी स्लाइड की पीछे की हरकत जारी रहती है। एक्सट्रैक्टर द्वारा पकड़कर लाया गया केस बॉडी पर लगे हुए इजेक्टर से टकराकर इजेक्शन स्लॉट से बाहर गिर जाता है और कार्रवाई होती है इजेक्ट की। कॉक, अभी भी स्लाइड की पीछे की हरकत जारी रहती है। इस हरकत के दौरान गाइड रिकॉइल स्प्रिंग सिकुड़ जाता है। स्लाइड और पीछे की हरकत करने के दौरान स्लाइड का पिछला और निचला हिस्सा हैमर को पीछे और नीचे की तरफ दबाता है, जिससे हैमर का बैंड बॉडी पर लगे हुए सीयर पर फंस जाता है और पिस्टल कॉक हो जाती है। फीड की कार्रवाई, स्लाइड की पीछे की हरकत जारी रहती है। स्लाइड के पीछे की हरकत के दौरान जैसे ही स्लाइड का दबाव मैगजीन के ऊपर से हटता है तो मैगजीन स्प्रिंग की मदद से मैगजीन का अगला लीडिंग राउंड ऊपर उठकर फीड पीस की सीट पर आ जाता है। इसे ही फीड की कार्रवाई कहते हैं। अब स्लाइड पूरी तरह से पीछे आ जाता है और गाइड स्प्रिंग पूरी तरह से सिकुड़ जाता है। यहाँ पर राउंड के फायर होने से पैदा हुई गैस का दबाव समाप्त हो जाता है। गाइड रिकॉइल स्प्रिंग अपने तनाव को पूरा करती है और स्लाइड को आगे की तरफ धकेलती है। स्लाइड के आगे के मूवमेंट के दौरान फीट पीस के सीध में आए हुए राउंड को स्लाइड आगे की ओर ले जाती है और राउंड बुलेट गाइड की मदद से चैम्बर पर दाखिल हो जाता है। राउंड के चैम्बर पर दाखिल हो जाने पर एक्सट्रैक्टर पुनः राउंड के पेंदे पर सवार हो जाता है और कार्रवाई पूरी होती है लोड की। चैम्बर पर राउंड के बैठ जाने के बाद भी अभी भी स्लाइड की 5mm की हरकत बची हुई होती है। उस हरकत को पूरा करने के दौरान स्लाइड बैरल को अपने साथ जोड़कर, मतलब स्लाइड और बैरल दोनों एक साथ 5mm की हरकत आगे की ओर करते हैं, जिससे बैरल के लॉकिंग लग स्लाइड पर बने हुए लॉकिंग अनलॉकिंग सरफेस पर फंस जाते हैं और कार्रवाई होती है लॉक की। फायर की कार्रवाई, फायर करने के लिए जैसे ही फायरर ट्रिगर को प्रेस करता है तो ट्रिगर को प्रेस करने से ट्रिपिंग लीवर ऊपर की ओर उठ जाता है। ट्रिपिंग लीवर ऊपर उठकर सियर कनेक्टिंग आर्म के अगले सिरे पर दबाव बनाता है, जिससे सियर कनेक्टिंग आर्म का पिछला सिरा नीचे की ओर डाउन होता है तथा सियर प्लेट को दबा देता है, जिससे हैमर आजाद होकर फायरिंग पिन रिटेनर यानी कि फायरिंग पिन के पिछले हिस्से पर ठोकर मारता है और राउंड फायर हो जाता है।